उसकी चाहत थी कि वो अंडरवर्ल्ड डॉन बाउट जैसा बने, उसकी हसरत थी कि वो गैंगस्टर आनंद पाल जैसा बने। अपराध की दुनिया में नाम कमाने के लिए वो बन गया लॉरेंस विश्नोई गैंग का सदस्य। जी हाँ, कोटा की ग्रामीण पुलिस ने एक ऐसे अपराधी को गिरफ्तार किया है जो अपराध की दुनिया में नाम चढ़ाकर बादशाहत का तमगा हासिल करना चाहता था। हाड़ोती में भी अपना वर्चस्व कायम करने के लिए उसने रामगंज मंडी के एक पार्षद को धमकाकर चौथ वसूली करनी चाही तो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। आरोपी विशाल उमरावल वैसे तो रामगंज मंडी का ही रहने वाला है, लेकिन फिलहाल वो कोटा के रंगबाड़ी में रह रहा था। विशाल अंडरवर्ल्ड डॉन और गैंगस्टर आनंद पाल को अपना आदर्श मानकर सोशल मीडिया पर खुलेआम धमकी देने से लेकर हर अपराध से जुड़ा हर काम करवाने के लिए लोगों से संपर्क करने के लिए बोल रहा था। विशाल के कारनामे सामने आने के बाद कोटा ग्रामीण पुलिस ने अपना जाल बिछाया और पुलिस आरोपी विशाल तक पहुंची गई। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी लॉरेंस विश्नोई गैंग के संपर्क में था और हथियार तस्करी का नेटवर्क चला रहा था। रामगंज मंडी के बीजेपी के पार्षद हैं श्री लोकेश पावेचा जी, उनको उनके मोबाइल के ऊपर फेसबुक के ऊपर धमकियां प्राप्त हुई कि आप अपने पद से इस्तीफा दें, कुछ धनराशि की डिमांड हुई, इतने रुपए दें अन्यथा आपका बुरा होगा, कुछ भी किया जा सकता है। और ये लगातार उनको प्राप्त हुई, जिस पर कि उनके द्वारा इस कार्यालय में मेरे कार्यालय में आकर के मुझको अवगत कराया गया। जैसे ही ये पता चला उस पर तत्काल मेरे द्वारा मुकदमा नंबर दर्ज करवाया गया और इसकी तफ्तीश SHO रामगंज मंडी हरीश भारती को दी गई, क्योंकि पार्षद से जुड़ा मुद्दा था और थोड़े दिनों पहले चुनाव हैं हुए हैं तो ये लगा कोई चुनावी रंजिश का मैटर हो सकता है। लेकिन जो साइबर सेल है कोटा ग्रामीण का, उसके द्वारा साइबर की मदद लेते हुए और कौन ये धमकी दे रहा है, कहां से आ रही है, इस पे तुरंत कार्रवाई की गई। तो विशाल उमरावल करके व्यक्ति पे जाकर के बात ठहरी कि उसके द्वारा ये की जा रही है, इस पे उसकी तलाश तुरंत प्रभाव से प्रारंभ की गई और एडिशनल SP डिप्टी SP और कई सारी टीमें और उसकी लोकेशन का पीछा किया गया। अंततः आज इसमें सफलता प्राप्त हुई है। विकास, ये जो विशाल उमरावल है ये पहले रामगंज मंडी में ही रहता था, वर्तमान में रंगबाड़ी कोटा में रहता है और अभी तक इसके मोबाइल से हमें जो भी जानकारी मिली है और इसकी जो प्रोफाइल है, इसका संबंध लॉरेंस विश्नोई गैंग के संपर्क में है। ये अपना आदर्श दाऊद इब्राहिम को मानते हैं। इस संबंध में इन्होंने अपने मोबाइल के अंदर तमाम चैट है, फोटोज लगा रखी है, जिसको कि हम डिसिफर भी कर रहे हैं, कुछ हमने कर ली है। आज इनको गिरफ्तार किया है और न्यायालय से पेश करके PC रिमांड लिया जाएगा। इनके इस कृत्य में और कितने लोग सहयोगी थे, शामिल थे, उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। कोटा की खबरों से अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें कोटाखबर.com पर, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।